उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के एक साल पूरे, सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां, सिटी पार्क का हुआ शिलान्यास। धामी सरकार के एक साल पूरे होने पर बीजेपी ने आयोजित किए कार्यक्रम, मंत्रियों ने की कार्यकाल की तारीफ, कहा प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली नीतियां बनी। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का भंडाफोड़, 35 लाख रुपए की हुई धोखाधड़ी, मामले में चार लोग गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफ़ी पटनायक। बीजेपी की शुरुआत करेंगे। धामी सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी देहरादून के रेंचर्स ग्राउंड में किया गया। सरकार की एक साल की उपलब्धि पर प्रकाशित की गई पुस्तिका, सूचना और लोक संपर्क विभाग के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। सरकार ने इस साल में कई कड़े फैसले लिए। धामी सरकार के एक साल पूरे हुए हैं, सीएम ने उपलब्धियां गिनाई, इस दौरान पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। धामी सरकार के एक साल पूरे होने पर सरकार सभी जिलों में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हरिद्वार के ऋषिकूल ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल, निशांक, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत कई महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले कई लोगों को मंच पर सम्मानित किया गया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि एक साल में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते एक साल में हरिद्वार जिले में भी कई अभूतपूर्व काम हुए हैं। एक साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अच्छा कार्यकाल रहा और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी बहुत उपलब्धि रही। चार धाम यात्रा 47 लाख के करीब रही हमारी और बहुत से हमने जमरादी बांध हुआ, बहुत सी योजनाएं हमने की हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और हमारी उपलब्धि रही कि यहाँ पर बिना किसी विघ्न के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। पंचायत के भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक वर्ष में हमारी गवर्नमेंट ने जो ऐतिहासिक काम की है उसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहता हूँ। चाहे वो स्थापनाओं की दिशा में हो और चाहे नकल अध्यादेश का हो और चाहे वो धर्मांतरण पर कानून बनाने का हो और चाहे समान नागरिक संहिता का हो, तमाम ऐसे कानून बनाए हैं और ऐसे निर्णय लिए हैं जिसको इस राज्य को ही जरूरत नहीं बल्कि कुछ तो देश को भी जरूरत है। ऋतु परिवर्तन के साथ हुई बेमौसमी बारिश के कारण अस्पताल में टाइफाइड और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। इस हफ्ते हुई बेमौसम बारिश से जहां पूरे जनपद में ठंडक लौट आई है, जिससे आम जनता ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन बदलते मौसम के साथ हुई बेमौसमी बारिश के कारण लोग बुखार और टाइफाइड के शिकार भी बड़ी तेजी से हो रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बक्कड़ नवीन चंद्र डिमरी ने बताया कि क्षेत्र में हुई बेमौसमी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर पानी दूषित हो जाता है और आमतौर पर ग्रामीण दूषित पानी को पीने के लिए उबाल कर प्रयोग नहीं करते, जिस कारण बीमारियां जन्म लेती है और सबसे ज्यादा कामकाजी महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इससे ग्रसित होते हैं।
दिनों से जो बारिश चल रही है, बारिश में जो लोग ध्यान नहीं देते, पानी उबला हुआ नहीं पीते, तो जो हमारा जो टाइफाइड जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है वो बेसिकली जो दूषित पानी होता है उसको बिना उबाल के पीने से होता है, क्योंकि जो टाइफाइड होता है वो ओरोपिकल रूट से जाता है कि जो लोग या जो लोग साग सब्जी जो होती है या फल वगैरह जो होते हैं साफ धोके नहीं खाते उनमें ज़्यादा चांस होते हैं। हमारे पास जो ओ पी डी है कम से कम 50 से 60 पर डे की होती है। उत्तराखंड सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बीजेपी ने उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद सकारात्मक बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास ने सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भूमि में नजीर पेश की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दी, महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया, जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया गया और सख्त नकल विरोधी कानून को भी मंजूरी मिली। पर्व है, पुंडी है, हरेला है, कैणी है, इगास है, बगवाल है, इन सभी को ये हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होती रहे, स्थानांतरित होती रहे या आगे बढ़ती रहे, ये विलुप्त न हो, इसलिए इनके लिए समेकित रूप से एक नीति बनाई जाएगी। इन त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और नई पीढ़ी लगातार इसका स्मरण करते रहे, हमारी संस्कृति लगातार उसका संरक्षण और संवर्धन है। सर, जो नई पर्यटन नीति आई है सोशल मीडिया में और कुछ रिपोर्ट रहती आई है उसको हाथों हाथ होटेलियर्स के और जो बाहर के निवेशक हैं स्टार्टअप टाइप के उन्होंने बहुत उसको सराहा है और कई बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं, इसको दूसरी तक राज्य सरकार छूट देने जा रही है कुछ प्रोजेक्ट में, इसे सर कैसे देखते हैं? ये काफी मतलब ये पर्यटन का क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, इसलिए हमने इसमें 100% सब्सिडी का प्रावधान किया है और सभी जो होने वाले काम हैं हमारे सभी विभाग हैं उनको एक सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। ये सरलीकरण प्रक्रिया का ही जो है एक पार्ट है जो हमने पर्यटन नीति के रूप में हम लाए हैं। प्रदेश की धामी सरकार को आज वर्ष पूर्ण होने हो चुका है, जिसको लेकर सरकार द्वारा 1 साल नई मिसाल को लेकर प्रदेश के हर विधानसभा में जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा विधानसभा के हवालबाग ब्लॉक में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के स्टोनों के माध्यम से लोगों को उनके प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि सरकार ने 1 वर्ष पूर्व भाजपा को एक बड़ा जनादेश दिया और आज सरकार अपने 1 वर्ष के अवसर पर जनता से किए वादों को लेकर पुनः जनता के बीच आ रही है। हमारी वर्तमान की लोकप्रिय सरकार का आज 1 वर्ष का बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धियों का 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैं इस अवसर पर सरकार को और प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव के वक्त जो अपने दृष्टि पत्र में घोषणा पत्र में कहा था उल्लिखित किया था, मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ कि सरकार उन सारे विषयों को आगे लेकर काम कर रही है।
धामी सरकार के एक साल पूरे होने पर हल्द्वानी के एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार की एक साल की उपलब्धियों को गिनाया गया। कार्यक्रम में जिले के विधायक और पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। साथ ही विभिन्न विभागों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल लगाए गए। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। मेकालाढूंगी के वरिष्ठ विधायक बंसीधर भगत ने कहा है कि धामी सरकार ने एक साल में ऐतिहासिक काम किए हैं। जहां नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं तो वहीं विकास के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए गए। वहीं भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को क्षतिज आरक्षण दिया है और महिलाओं को भी 30% के आरक्षण देकर इतिहास रचा है। देखिए, सबसे पहले तो हम उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देंगे, उन्होंने धामी जी पर दोबारा विश्वास किया और एक साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो नकल विरोधी अध्यादेश, एक रिस्की काम था, लोगों में विरोध भी था, लेकिन आज ऐसे कड़े कानून उठाए गए। धर्मांतरण का कानून, 30% महिला रिजर्वेशन वापस करना कोर्ट ने फैसला किया था, 10% आंदोलनकारियों को आरक्षण देना, नीचे लेवल तक विकास के नए आयाम स्थापित करना, ऐसा है। सबसे पहले तो मैं एक वर्ष पूर्ण होने की सभी को बधाई देना चाहूंगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिदिन एक नए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करना, महिलाओं को 30% आरक्षण देना नौकरियों में, और इस कार्य को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए सारी आप, शिक्षा का शिविर लगा हुआ है, चिकित्सा का शिविर लगा हुआ है, और जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार कार्य कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक काम एक साल के अंदर हुए हैं और ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। जैसे नकल विरोधी कानून लागू करके जो नकल माफिया हैं उनके खिलाफ एक कड़ा और सख्त कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम किया है। मैं एक राज्य अधिकारी भी हूँ और राज्य अधिकारियों के लिए 10% का जो आरक्षण तय करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। और जैसे महिलाओं के लिए नौकरी में 30% का आरक्षण माननीय हमारी सरकार ने किया है। देखिए, धामी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका एक साल पूरा हो रहा है। मैं समझता हूँ कई मामलों में ऐतिहासिक पदक, चाहे वो केंद्र की सहायता लाने का मामला हो, चाहे स्थानीय स्तर पर काम करने का मामला हो, बहुत ऐतिहासिक निर्णय, जैसे नकल विरोधी, देश का पहला प्रदेश है जहाँ ऐसा निर्णय हुआ। अपने जो सेना के मेडल प्राप्त हैं उनके जो बजट बढ़ा है वो भी ऐतिहासिक है। अपने ओपीओ बनाए हैं, अपने निश्चित तौर पर आज से एक वर्ष पूर्व उत्तराखंड की जनता ने इतिहास रचा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी। और आज एक साल एक वर्ष पूर्व होने पर एक साल नई मिसाल के रूप से कार्यक्रम आज यहाँ मनाया जा रहा है और इस वर्ष में पूरे जनता के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई युवाओं के लिए लड़ी है, महिलाओं के लिए लड़ी है और इस क्षेत्र के ग्रामीण जनता के लिए लड़ी है। निश्चित तौर पर 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वो एक ऐतिहासिक कार्य है। राज्य सरकार के एक वर्ष का जो कार्यकाल है उसको अगर मैं वर्गीकृत करूँ तो वो एक स्वर्णिम काल है। इसमें अर्बन डेवलपमेंट से लेकर, विदेश डेवलपमेंट से लेकर, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर से लेकर, मैं कहना चाहूंगा कि लगभग सभी क्षेत्रों में, एम्प्लॉयमेंट से लेकर सभी क्षेत्रों में बड़े अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। ये टूरिज्म का प्रदेश है, टूरिज्म को लेकर भी यहाँ अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और अर्बन डेवलपमेंट खासकर बहुत फोकस किया गया है और साथ ही एक जीरो टॉलरेंस की सरकार, एक ट्रांसपेरेंसी और साथ ही एक सबसे बड़ा जो कानून अभी आया है कि आज हमारी सरकार का एक साल पूरा हो गया है। हम बैणी सेना से हैं, हमारा समूह है गंगा जली स्वयं सहायता समूह, हम इसमें बहुत से कार्य कर रहे हैं और सरकार ने भी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया है। हमारी जो बैणी सेना है, आज हम नगर निगम के द्वारा, हमने अपनी बैणी सेना के द्वारा सारे लोगों से यूजर चार्ज लेना शुरू करा है।
धामी सरकार के एक साल पूरे होने पर सरकार सभी जिलों में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल, निशांक, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। एक साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत कई महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई और इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले कई लोगों को मंच पर सम्मानित भी किया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि एक साल में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है। बीते एक साल में हरिद्वार जिले में भी कई अभूतपूर्व काम किए। एक साल में और कई मिसालें हैं और नई मिसालें हैं, ऐसे बेशुमार मिसाल हैं। एक वर्ष में हमारी गवर्नमेंट ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं उसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं, चाहे वह स्थापनाओं की दिशा में हो और चाहे नकल अध्यादेश का हो और चाहे वो धर्मांतरण पर कानून बनाने का हो और चाहे समान नागरिक संहिता का हो। तमाम ऐसे कानून बनाए हैं और ऐसे निर्णय लिए हैं जो है नई बेमिसाल और नई मिसाल के रूप पर बहुत ही स्मरणीय साल रहा, जिसमें बहुत हमारी उपलब्धि रही। नीति आयोग का जो आकांक्षी जनपद कार्यक्रम था उसमें हरिद्वार रैंक वन पे आया है। बेस्ट गंगा टाउन के रूप में हरिद्वार को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। जल जीवन मिशन में फरवरी महीने में हरिद्वार को नंबर वन रैंक मिला है, जिसमें सबसे तेजी से काम हुआ है। तो हमारे जल जीवन मिशन को सफल बनाने में ये कार्यक्रम बहुत तेजी से किया गया फरवरी माह में और इसमें हमारे को रैंक वन मिला है। उत्तराखंड सरकार अपनी एक साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है। पूर्व मंत्री हरीश रावत ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। प्रदेश के कई मंत्रियों पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश के कई मंत्री भी गड्ढा मंत्री हैं और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार लगातार 6 वर्षों से कार्य कर रही है और इतने समय में उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। कुछ बताने को है ही नहीं सरकार के पास, बताने को केवल गड्ढे हैं और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां सड़कों में गड्ढे नहीं है। कई कई जगह तो फुट फुट भर के गड्ढे, क्या ऐसी स्थिति के अंदर जब गड्ढे ही गड्ढे हों तो सरकार में कई गड्ढे हैं और इनके कई मंत्री जो है गड्ढा मंत्री अपने अपने विभागों के अंदर, तो बताने के लिए क्या है इनके पास। उसमें मुख्यमंत्री क्या नए नए हैं, अब अभी हम बहुत पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं खास साथ कुछ शायद अच्छा करें। प्रदेश सरकार अपने 1 वर्ष का कार्यकाल मना रही जिसको अब कांग्रेस विफल बता रही है। वही अल्मोड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है वो पूरी तरह विफल है। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार हो, नकल जैसा मुद्दा हो या फिर अंकिता हत्याकांड जैसे मुद्दे को लेकर जनता को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश सरकार में विराजमान है और उसका एक साल का वो उपलब्धि वर्ष मना रही है जगह जगह विभिन्न विकास खंडों में। विफलताओं का वर्ष है, झूठ का पुलिंदा है, आंकड़ों का हेरफेर है, चाहे वो बजट पेश करने को लेकर हो, चाहे हमारे समाज के किसी वर्ग से संबंधित हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे प्राधिकरण जो समाप्त करने को लेकर हो, चाहे जल मूल्य वृद्धि को लेकर हो, चाहे पुरानी पेंशन को लेके, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को समझ चुकी है। भाजपा का एक साल का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है कि एक साल के कार्यकाल के अंतर्गत अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड,
सिंह की हत्याकांड या अल्मोड़ा के अंदर ही जगजीत हत्याकांड जैसी वारदातें हुई हैं। यहाँ पर एक साल के अंतर्गत जो हमारे बेरोजगारी हुआ है उन पर लाठीचार्ज करने का काम युवाओं को आज तक ना ही रोजगार दे पाए हैं। तमाम भर्ती घोटाले इस भाजपा की सरकार में हुए हैं और जितने भी इसमें संलिप्त हैं इन घोटालों पे, चाहे हकम सिंह हो या कोई और हो, वो सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। प्रथम सत्र आउट हुआ था और बजट सत्र आउट हुआ था, उत्तराखंड में फर्जी वेबसाइट बना के लोगों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के चार सदस्यों को एसटीएफ के साइबर क्राइम पुलिस के दबिश देकर बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसटीएफ ने करीब 35 लाख की ठगी का भंडाफोड़ किया, जिसमें एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी है। बता दें कि वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की गाड़ी कमाई हड़पने के लिए नए नए तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए, लगभग 2 महीने पूर्व हमारे जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, इसमें व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उनके द्वारा मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा ठगी की है। इसमें लगभग 35 लाख से अधिक रुपए जो पीड़ित था उसके ठगों द्वारा ठग लिए गए थे। तो इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की थी और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को पता चला कि एक बिहार से गैंग ऑपरेट कर रहा है जो कि कई सारी फर्जी वेबसाइट्स बनाकर, ये जो बैंक्स हैं इनकी फर्जी वेबसाइट्स बनाकर फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ जितने देशों प्रदेश के तमाम बड़े खबरों के बने रहना।